मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद में मुंबई जीतेगी या मुंबई के साथ हार्दिक पांड्या भी जीत पाएंगे? वेल, आपके मन में सवाल होगा कि भाई मुंबई और हार्दिक पांड्या क्या अलग अलग है? तो हम आपको बता दें कि जी बिल्कुल अलग अलग है। हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस की कहानी एक नहीं है। हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, उनके सामने फिलहाल चार चार मुसीबतें हैं और इन चार मुसीबतों में से सिर्फ एक मुसीबत ऐसी है जो टेक्निकली मुंबई इंडियंस की मुसीबत है और वो मुसीबत है जीतने की। आईपीएल के अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं, हर मैच में होम टीम ने फतह हासिल कर ली है। सनराइजर्स हैदराबाद, जिसकी अगुवाई पैट कमिंस कर रहे हैं, उनकी टीम जिसने पहला मैच जबरदस्त तरीके से खेला, वो अपने होम कंडीशंस पर मुंबई इंडियंस का सामना करने वाली है। और हम सब जानते हैं कि हैदराबाद की टीम जो है वो हैदराबाद में काफी मजबूत है। मतलब अगर सीएसके चिपॉक में एक अभेद किले के तौर पर जानी जाती है, तो वही अभेद किला एसआरएच के लिए हैदराबाद बन जाता है, क्योंकि वहां पर वो लगभग 65% मैचेस जीते हुए हैं। सीएसके ने 71% जीते हैं चिपॉक में। लेकिन हार्दिक पांड्या की मुसीबत क्या है? हार्दिक पांड्या के लिए चार मुसीबत है। पहली मुसीबत है कि जिस मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को हटाकर उन्हें कैप्टन बनाया, उसको जीत का तोहफा दे, क्योंकि पहले मैच में मुंबई की जो हार हुई थी उसे मुंबई पचा नहीं पा रही। मुंबई इंडियंस वो टीम है जो स्लो शुरुआत करती है, लेकिन इस साल पावर पैक्ड प्लेयर उनके पास थे और ऐसे में थोड़े सेल्फ डाउट होना अगर होते हैं तो वो हैरान नहीं करेंगे। दूसरी चीज, मुंबई इंडियंस को लेकर जो ये लॉजिक था कि स्लो स्टार्ट करते हैं बाद में पेस पकड़ते हैं, वो दौर अलग था। उसमें कैरन पोलार्ड थे, उसमें लासित मलिंगा थे, जसप्रीत बुमराह थे, सूर्य कुमार यादव का पीक था, ईशान किशन कहर बरपाए थे, ट्रेंट बोल्ट की धार थी उस वक्त, क्विंटन डिकॉक का कहर था, और इन सारे प्लेयर्स के बीच मिलकर मुंबई इंडियंस अक्सर कमबैक करती थी और जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करती थी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, वो खिलाड़ी नहीं रहे। आज के वक्त मुंबई के पास गिने चुने बड़े नाम हैं, बाकी जो नाम हैं वो या तो फॉर्म को लेकर संघर्ष कर रहे हैं या अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या जो ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस लिए बिना खेल रहे हैं, हम सब ने देखा है कि हार्दिक पांड्या को मुंबई के ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तमाम वो खिलाड़ी जिन्हें मौका भी नहीं मिल रहा, वो भी रोहित शर्मा को लेकर स्टोरीज लगा रहे, कैप्टन फॉर एवर। सूर्य कुमार यादव, हम सब ने देखा जब से खबर आई तब से उन्होंने डाला। जसप्रीत बुमराह न जाने कितनी स्टोरीज लगा चुके हैं और इनडायरेक्टली मैसेज सोशल मीडिया से और ग्राउंड के अंदर भी पिछले मैच दे चुके हैं जब हार्दिक पांड्या उनके पास पहुंचे थे और ये कह रहे थे कि ये ऐसा वैसा कीजिए, और फिर उन्होंने एक तरीके से मजाक उड़ा दिया था कि अभी ये सिखाएगा रोहित शर्मा के पास जाकर। जिस तरह से रोहित से वो इन्वॉल्व है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी समस्या हार्दिक पांड्या के लिए है कि उनके पास ड्रेसिंग रूम का भरोसा नहीं है। और अगर ऐसे में मुंबई इंडियंस की हार हो जाती है तो शायद हार्दिक पांड्या की मौजूदगी एक कैप्टन के तौर पर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और ड्रेसिंग रूम उनसे और ज़्यादा अलग थलग हो जाएगा। अभी ये मुंबई में आप देखेंगे तो दो गुट आपको साफ साफ नजर आते हैं, एक हार्दिक पांड्या गुट जिसमें अंबानी है, ईशान किशन जो है वो संभवतः उनके साथ हैं, लेकिन बाकी जितने भी सीनियर या जूनियर प्लेयर हैं वो सब रोहित शर्मा वाले खेमे पे जाते नजर आते हैं और फैन का सपोर्ट जो है वो भी वहीं जाता नजर आता है। रोहित शर्मा को लेकर कुमार कार्तिकेय हो, आकाश मधवाल हो, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो नहीं भी खेल रहे इसके बावजूद सपोर्ट रोहित शर्मा को लेकर कर रहे हैं। तो एक तो मुसीबत यहां पर है। तीसरी मुसीबत हार्दिक पांड्या के सामने यह है कि क्या हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, बिकॉज लास्ट मैच में उनकी पोजीशन को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हुए थे। हार्दिक पांड्या हम सब जानते हैं कि एक जमाने में कमाल के बल्लेबाज रहे, लेकिन बीते कुछ सालों में एज अ बैट्समैन उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं दी है जिसको लेकर उनकी तारीफ की जाए। और हार्दिक लास्ट मैच में खासतौर पर जब राशिद खान का ओवर बचा था, अपने ऊपर टिम डेविड को जब भेजते हैं तो दुनिया के तमाम क्रिकेटर्स ने उन पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि कोई भी इंडियन बैट्समैन जिसका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ नहीं है वो कभी भी एक फॉरेन प्लेयर को अपने ऊपर बल्लेबाजी करने नहीं भेजेगा। और उसका नतीजा भी ये हुआ था कि जो 6 ओवर में 48 रन 7 विकेट पे चाहिए थे वो मुंबई के हार की वजह बन जाते हैं। मुंबई इंडियंस ये मैच फिनिश नहीं कर पाती है और हार्दिक पांड्या के अप्रोच को लेकर, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर सवाल खड़े होते हैं। वैसे ये वही हार्दिक पांड्या है जिनके वीडियोस पहले वायरल होते थे कि रुको मैं हूं मैं कर लूंगा, वही हार्दिक पांड्या एक स्पिनर के सामने नहीं आते हैं और जब आते हैं तो उमेश यादव भी उनको कंट्रोल में कर लेते हैं और उमेश यादव के सामने ही मैच खत्म नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है क्राउड की बू का। वानखेड़े जाने से पहले हैदराबाद ये टीम गई है,
लेकिन अहमदाबाद में जो कुछ हुआ था उसे कोई भूल नहीं पाया। और अहमदाबाद में जिस तरह से ये मैच बना था उसके बाद हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी टेंशन है कि अगर आपके सामने 60-70 हज़ार का क्राउड आपको एक साथ चढ़ाता है, आप ग्राउंड पर एंटर करते हैं तो कोई आपको छपरी बोलता है, कोई आपका मजाक उड़ाता है, कोई आपके सामने मुंबई का राजा कौन रोहित शर्मा कहता है, तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। एक कप्तान के तौर पर टॉस के वक्त जब आप जाते हैं तो जो शोर आपकी टीम के लिए होना चाहिए था वो आपके खिलाफ आप ही की टीम के दूसरे प्लेयर को लेकर होता है, तब आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। जब आप फील्डिंग करते हैं और आपसे मिसफील्ड होती है और आपके मिसफील्ड पर तालियां बजती हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। जब मैदान में कुत्ता घुसता है और आपको उसके नाम से मजाक उड़ाता है तब ये देखकर आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। जब आप ही की टीम के सीनियर खिलाड़ी आपको गंभीरता से नहीं लें तब कॉन्फिडेंस गिरता है। जब आपकी टीम के जूनियर प्लेयर्स आपकी जगह किसी और प्लेयर के लिए स्टोरीज लगाएं तब आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। जब आप बल्लेबाजी करने किसी और को भेजें ये जानते हुए कि आप बड़े फिनिशर हैं, आपके पास इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपके पास ओवरऑल T20 क्रिकेट का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात आप खुद कप्तान हैं। कप्तान के बारे में अक्सर कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन हार्दिक पांड्या वॉज लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। ये तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर हार्दिक की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। और इसीलिए हमारा सवाल है कि एसआरएच के मैच में मुंबई तो जीतना चाहेगी लेकिन क्या हार्दिक पांड्या जीत पाएंगे? बिकॉज अगर हार्दिक पांड्या यहां ये मैच गवा देते हैं तो हार्दिक पांड्या के खिलाफ गुटबाजी का दौर जो है वो बड़ा हो जाएगा। कमेंटेटर्स को भी समझ नहीं आ रहा था पिछले मैच में, आप याद कीजिए वो इंसिडेंट जिसमें तमाम कमेंटेटर्स ने ब्रायन लारा से पूछा कि वी हैव नेवर सीन और वी हैव नेवर विटनेस एनी सच थिंग लाइक दैट। कभी भी कभी किसी इंडियन खिलाड़ी को इस तरह से पब्लिकली मॉक नहीं किया गया। हार्दिक के सपोर्ट में भी जो खिलाड़ी आ रहे हैं जैसे वीरेंद्र सहवाग ने स्टेटमेंट दिया तो उनकी भी क्लास तमाम लोग लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि जो सवाल ब्रायन लारा से पूछा गया था कि ये कैसे फिक्स किया जाए, इसका जवाब ब्रायन लारा को भी समझ नहीं आया और इसी वजह से शायद उन्होंने एक वर्ड में जवाब दिया, प्ले फॉर इंडिया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब सवाल ये है क्या हार्दिक पांड्या मैच जीतेंगे, क्या हार्दिक पांड्या अपनी लड़ाई जीतेंगे चार प्लेटफॉर्म पर? पहले ही टीम को मैच जिताने की, दूसरी उस क्राउड का दिल जीतने की, तीसरा अपनी टीममेट्स का दिल जीतने का, और चौथा एक कप्तान के तौर पर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का, एक बल्लेबाज के तौर पर परफॉर्मेंस का। ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि हार्दिक पांड्या के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक जीत शायद कुछ चीजें फिक्स कर सकती है लेकिन एक और हार शायद बहुत कुछ खराब कर सकती है। आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताइएगा।